ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, लेट अस वी सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल मैथ्स, ओरल सॉल्व करेंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 180 मिनट्स है, तो 180 मिनट्स में आपके कितने आवर्स होंगे? तो वैसे हम जानते हैं कि 60 मिनट्स का वन आवर होता है, तो 60 से इसको हम डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपका 60 से डिवाइड करें तो 3 जा जाएगा ना, तो यहाँ आपका 3 आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ बेटा? 3 आवर्स हो जाएंगे। तो 6 3 18 होता है, तो यहाँ आपका 3 आवर्स हो जाएगा। वैसे यहाँ 5:45 है, 5:45 में 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो इसको 5:45 कर देंगे, 5:45 कर देंगे। ऐसे आपका 5 आवर्स है, 5 आवर्स का कितना है? 300 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर्स में 60, तो 5 आवर्स में 5 इंटू 60 करेंगे तो यहाँ 300 मिनट्स हो जाएंगे। इसी तरह से आपका 330 PM इन 24 आवर क्लाक में जब लिखा जाएगा, तो 3 जो आवर है उसमें 12 जोड़ देंगे, तो 12 और 3 जोड़ देंगे 15, यानी यहाँ 15:30, ये 15:30 है बच्चों, क्या है ये 15:30 आवर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15:30 आवर्स हो जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 12:35 AM इन 24 आवर्स, 24 AM है, 12:35 आवर्स, तो इसको AM है, तो इसको इसको 0:00 35 आवर्स लिख देंगे, 0:00 35 आवर्स लिखेंगे, 0:00 35 आवर्स लिख देंगे, 0:00 35 आवर्स लिख देंगे। ऐसे आपका 9:15 PM इन 24 आवर है, तो 9 में 12 जोड़ देंगे, तो 9 और 12 जोड़ेंगे 21, 21 और 15 आवर्स लिख देंगे। ऐसे आपका 0:04:15 आवर्स है, इन 12 आवर्स लिखोगे तो इसका मतलब ए एम रहेगा, तो 0:04:15 AM, 0:04:15 AM। ऐसे 19:45 आवर्स है, इन 12 आवर क्लाक लिखेंगे, तो 9 में जब 19 कब बनता है? जब 12 में 7 जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब 7:45 PM हो जाएगा, 7:45 PM हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द मंथ ऑफ जून हैज़ 30 डेज, आप देख चुके होंगे उसमें फीस्ट वाले प्रकरण में, मुट्ठी वाले हिसाब किताब में। फिर 12 आवर्स आफ्टर 8 PM, तो 8 PM के बाद देखते हैं कि 4 घंटे और चलेंगे तो आप 12 हो जाएंगे, 12 का मतलब वो 0:00 हो जाएगा। फिर आपका अब 8 घंटा बचा है, तो जब 8 घंटा 12 बजे रात के बाद 8 घंटा बजेगा, तो उसको 0800 आवर्स कह देंगे, यानी उसको 0800 AM तब लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? AM लिख देंगे। तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें, समझा सकें। थैंक यू वेरी मच।